और 1000 थीटा। सुनिए का न्यूनतम मान क्या होगा, देखिए पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू पे बोला गया है। पाई बाय टू पे आप देखिए, पाई बाय टू का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक। इसका न्यूनतम से न्यूनतम मान चाहिए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान घटाना पड़ेगा इसका। 90 जैसे ही रखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, और एक इसका बड़े से बड़ा मान होता है तो इसका छोटे से छोटा मान आ जाएगा। तो वो थीटा की वैल्यू क्या होगी जिस पर ये मिनिमम देगा, पाई बाई टू होगा। पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर आप पाई बाई टू रखेंगे थीटा का मान। पाई बाई टू रेडियन मेजरमेंट होता है, पाई बाई टू की वैल्यू 90 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, रेडियन में है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। डाउट क्लियर हुआ, 90 डिग्री रखने पर ये काम कंप्लीट होगा, ठीक। चलिए माइनस पाई बाई टू, नहीं 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 माइनस पाई बाई टू अगर रखते हैं तो साइन माइनस थीटा का पैटर्न हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए, फोर्थ में जाएगा, और वहां वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आ जाएगी, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर मिनिमम ये कहाँ रह जाएगा, क्यों बच्चे बताइए। चलिए ऑप्शन सी, ठीक है कोई बात नहीं। फोर माइनस साइन की पावर 1000, पाई बाय टू कर लिया आपने, पाई बाय टू मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। क्लियर है, आ गया समझ में। अब देखिएगा यहां हो जाएगा आपका क्या, ये हो गया 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या 1 की पावर 1000, ये क्या हो जाएगा 3 मिनिमम आ गया, ठीक। अब 4 माइनस साइन की पावर 1000 माइनस 90 करेंगे, साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, सही है बच्चे, क्लियर है, आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 1090, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये मिनिमम कहाँ आएगा, फिर तो ये बड़ा हो जाएगा ना बाबू, फिर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी, मिनिमम के लिए तो केवल 90 है, मिनिमम के लिए क्या होगा 90 होगा, समझ में आया। ये माइनस पाई बाई टू के लिए ये पैटर्न नहीं सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पाई बाई टू बना लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद है 228, कर चुके हैं ना 228, अब कौन सा 229, देखिएगा हो गया है 230 हो गया है। चले 230 सामने लगाइएगा तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 + 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, हाँ यस 6। सुनिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू के लिए -1 - 1 - 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं -1 - 1 और -1, सबका -1 वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 231 वाई बराबर साइन अल्फा, ये तो हो गया था। 232 पे आ जाइए, साइन क्यूब अल्फा कॉस की पावर 4 बीटा प्लस साइन की पावर 5 गामा प्लस कॉस की पावर 8 फाई, ठीक है। इसका परास आपसे पूछा गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसको निकालनी है। आइए देखिएगा, वाई बराबर लिखा गया है साइन क्यूब अल्फा, कट रहा है, वाई बराबर साइन क्यूब अल्फा कॉस की पावर 4 बीटा प्लस साइन की पावर 5 गामा प्लस कॉस की पावर 8 फाई। देखिए रेंज चाहिए बच्चों, अगर इसका मैक्सिमम मान चाहिए तो सबका मैक्सिमम उठा के वैल्यू रख दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 हो जाएगी। मिनिमम चाहिए तो सबकी मिनिमम वैल्यू उठा के रखिए, -1 - 1 - 1 - 1 होगा कि नहीं, मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, अच्छा यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ठीक ठीक ठीक, यहां होगा, यहां नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां क्या होगा 0 होगा, ठीक, यहां भी 0 होगा, समझ में आया,
तो कितना बन जाएगा बताइए, माइनस वन प्लस जीरो और प्लस माइनस वन और फिर प्लस जीरो, कितना आ रहा है माइनस टू आएगा। ठीक, पावर नहीं देखा मैंने, जहां पावर ऑड है वहां जीरो थोड़ी आता है, सॉरी जहां पावर ऑड एंड ऑड एक मिनट इवन है वहां नेगेटिव थोड़ी आता है, वहां क्या आता है जीरो आता है। ठीक, तो यहां भी जीरो और यहां भी जीरो, ये सब तो नोट लिखा है मैंने, सब क्लियर है। चलिए आइए अब इसके बाद आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन है 233 233। अब इतना व्यवस्थित बच्चों आप लोगों को बहुत कम ही जगहों पे चीजें मिलेंगी जो आपको यहां देने का हम प्रयास करते हैं, हमेशा 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग हैं मैक्सिमम बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते जिम्मेदारी से, पता नहीं कैसे आप लोग रह रहे हैं इलाहाबाद में। क्या चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वन, इसका मैक्सिमम वन, इसका मैक्सिमम वन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और मिनिमम चाहिए तो इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम सॉरी इसका मिनिमम नहीं माइनस वन, इसका मिनिमम 0 और इसका क्या हो जाएगा, रेंज सेट करना है क्या। ठीक है, अब देखिए अगला है 234 नंबर का क्वेश्चन, 234 पे आ जाइए हर एक बच्चा, 234 साइन स्क्वायर 25 प्लस 10 मैक्सिमम मान चाहिए, तो मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका मैक्सिमम रखना पड़ेगा, मैक्सिमम मान इसका क्या है 25, क्या 25x लिखा हुआ है प्लस 10, 25 पे गलत है ना, फिर हमें साइन स्क्वायर 25 की वैल्यू पता ही नहीं, इसके लिए साइन टेबल का यूज करना पड़ेगा। क्यों बच्चों, हमको उसका जरूरत ही नहीं था, यहां 25x वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल जरूरी होना चाहिए, तब आप यहां इसका मैक्सिमम मान क्या दे पाएंगे 1 और 10 कितना हो गया 11, और मिनिमम इसका मिनिमम 0 होगा, क्यों स्क्वायर फंक्शन है, इवन पावर लगा रहेगा तो 0 आएगा, और प्लस 10 कितना 10, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, ये छोटे छोटे सवाल हैं, 235 236 237 डू योर सेल्फ, कर पाएंगे 236 देख लीजिए, 236 देखिए, मिटा दें बच्चों, इलेवन प्लस इलेवन टेन एक्स, इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, लेटा हुआ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मत बना दीजिए, लेटा हुआ आठ, लेटा हुआ आठ इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं बनाना है, जब ऐसा फिगर है तो आंसर क्या देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, आइए 237 देख लीजिए, 237 लगाइए, 237 देखिए, 237 10 प्लस 11 tan स्क्वायर x का रेंज चाहिए, ध्यान से देखिएगा, अब मैक्सिमम मान क्या होगा इसका बताइएगा, बताइए बच्चों, यहां पर मैक्सिमम मान देखिए इवन पावर है, तो इवन पावर के लिए बताइए हमने मैक्सिमम क्या बताया था, नॉट डिफाइंड बताया था, क्लियर है, आया समझ में, या आपका क्या होगा, ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसके अंदर ही होगी, सही है, इसके अंदर ही होगी, क्योंकि हमें रेंज इसी हिसाब से सेट करना है। ठीक, तो इसके अंदर ही रखना है, यहां तक नहीं पहुंचना है, क्लियर है, जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर ही होगी। ठीक, तो जनरली हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम वहां तक कहां पहुंच पाएंगे, सही है। अब देखिए इसके बाद मिनिमम, मिनिमम तो कंफर्म है कि 10 और प्लस 11 इंटू 0, फाइनली क्या 10 हुआ, तो इसका रेंज अगर देना है तो कैसे देंगे, 10 तो लेना है क्लोज इंटरवल में, 10 तो लेना है क्लोज इंटरवल में,
लेकिन इनफाइनाइट नहीं लेना है, इसलिए इनफाइनाइट पे क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे, ये सिस्टम होगा। इनफाइनाइट नहीं लेना है इसलिए इनफाइनाइट पे क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल, यानी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 10 से शुरुआत होगी लेकिन इनफाइनाइट के अंदर ही रहेगी, इनफाइनाइट के क्या होगी, पहले ही रहेगी। हमने टैन का रेंज आपको बता रखा है, कैसे बताइए, माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन टैन थीटा इज लेस देन इनफाइनाइट, मतलब जो भी इसकी वैल्यू रहनी है माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में ही रहनी है। तो इसीलिए बच्चों इसका अगर हमने मैक्सिमम निकाला तो वो डज नॉट एग्जिस्ट तो है, लेकिन वो इनफाइनाइट के पहले ही रहेगा, जो भी वैल्यू हो हमको नहीं पता चल पाएगा, जो भी वैल्यू हो हमें पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इनफाइनाइट के अंदर ही रहेगा, इनफाइनाइट तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि इनफाइनाइट तक एग्जैक्टली ये पहुंच रहा है, कहीं ग्राफ इसका काटता नहीं है। तो सुनिएगा, ये हो गया आपका मिनिमम, तो 10 आ ही जाएगा क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 10 का कोई अगर इवन पावर लगा हुआ है, सम घात लगी हुई है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। डेली पढ़ते रहिए, दिमाग में बैठेगा आपके। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 10, तो 10 या 10 से शुरुआत तो होगी, इसकी 10 से शुरुआत होगी, तो क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 10, क्लोज इंटरवल 10, 10 लेना है, उसके बाद ये चलेगा इनफाइनाइट के पहले जाके खत्म होगा, तो इसलिए यहां पर ओपन इंटरवल लग जाएगा, यहां क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल दोनों का प्रयोग किया जाएगा, समझिए इस बात को। इसका मतलब होता है इसको लेना है, और इसका मतलब होता है इसको नहीं लेना है, ठीक है, और इसके बीच में तो ये रहेगा ही, 10 और इनफाइनाइट के बीच में तो वैल्यू ली जाएगी सारी की सारी, तो रेंज इसका इस तरह से सेट होगा, ठीक। मिनिमम तो इसका निकाल पाए हैं लेकिन मैक्सिमम निकाल नहीं पाए हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकल नहीं पाई है, डज नॉट एग्जिस्ट रही है, सही है, क्लियर है सारे बच्चों को, आपको समझ में आ रहा है। नए बच्चे कौन कौन से हैं भाई, किसका पहला दिन है आज, कोई है क्या ऐसा, कोई है, दिखाई कोई नहीं दे रहा है, चलिए दूसरा तीसरा दिन किसी का है, हाँ, तो आप लोगों को ये कम समझ में आ रहा है कि पूरा समझ में आ रहा है, बताइए आ रहा है समझ में, तो पीछे की चीजों के लिए तैयार रहिए, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। आप हाथ उठा रहे हैं भाई, टोपी वाले बालक, क्या दिक्कत है, न्यू है आप भी, कौन नया है, अच्छा आप हैं, आप भी नए हैं, आप हैं, तो चीजें कम समझ में आ रही हैं, आपका चेहरा देख के लग रहा है कम आ रहा है ना, तो आप परेशान मत होइए, अभी हमसे क्लास के बाद अभी मिलिएगा, ठीक, बताऊंगा मैं कैसे कवर होंगी चीजें। आइए देखिए, अब बोला है 238 आ जाइए, 238 दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है tan की पावर nx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बहुत बड़ा है, अच्छा अच्छा हटा दीजिए, सवाल ही हटा दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन हटाइए, क्वेश्चन हटाने के लिए क्या किया जाता, क्लोज, अच्छा ठीक है। 238 है बच्चों, दिए गए कथन पर विचार कीजिए, पहला है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और n बिलोंग्स टू विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ठीक, और दिया है cot पावर एन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एन यहां क्या है, बिलोंग्स टू सम संख्या, क्या बोला है, दिए गए कथन के अनुसार कौन सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, बताइए क्या सही है, सेकेंड वाला सही है, ये फर्स्ट वाला क्यों गलत हो गया बच्चों, गुड, अगर ये विषम संख्या है पावर तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, सहमत है आप लोग, अगर घात विषम है, एक है, घात तीन है, पांच है, इस तरीके से पावर है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि यहां ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 दिखाया, मतलब नेगेटिव वैल्यू लिया ही नहीं, इसलिए ये गलत है। और इस पे आते हैं, यहां पर बोला गया कॉट की पावर एन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ ये सही है, सम घात लगा है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, सम घात लगा है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव तो हमेशा रहेगी, यानी कि ये वाला कथन क्या है, सही है आपका, समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्लियर हो गया कि नहीं,
अब बच्चों आ जाइए 239 पे, 239 10 प्लस ये लीजिए मिनिमम वैल्यू पूछा है तो क्या डज नॉट एग्जिस्ट होगा? नहीं, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी क्या? 10 होगी, 10 मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 प्लस 0 होता है इसका मिनिमम मान, होता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 10। मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, अगर पूछा भी तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। सही है, आइए ऐसे ही 240 लगाइए। लग गया बच्चों 240 सामने है आपके, बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट, गुड। सीधे सीधे क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि sec x लिखा हुआ है और sec x के लिए कंडीशन हमने आपको बता रखा है डज नॉट एग्जिस्ट का फिगर होता है। ठीक, चलिए 241 पे आइए। माइनस 7 sec 32x प्लस 4 का मैक्सिमम मान बताइए क्या होगा? मैक्सिमम मान के लिए बेटा यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। मैं ये पूरे फंक्शन का मैक्सिमम मान चाहिए ना आपको, तो ये नेगेटिव वाला जो टर्म है उसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? मिनिमम वैल्यू। तो sec की पावर 32x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बताइए? एक होती है, एक होती है ना, तो एक रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सेवन प्लस 4 कितना आ जाएगा? -3। कितना आ जाएगा? -3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। नहीं समझे क्या अभी तक? पूरे फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जो आपका टी रेशियो है उसकी मिनिमम वैल्यू वहां रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिगर वहां नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाली चीज की मिनिमम रखिए वैल्यू। मिनिमम वैल्यू उसकी 1 होती है, होती है कि नहीं? मिनिमम वैल्यू 1 बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। चलिए तो क्या हो जाएगा? -3 आंसर आएगा। 242 बताइए। टेन प्लस sec की पावर 14x का मिनिमम मान चाहिए। मिनिमम मान चाहिए तो उसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, मिनिमम ही मान चाहिए ना। कुछ लोग डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस लगाइए। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम ही रखना है वहां, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो sec की पावर 14 x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 10 और प्लस 1 कितना हो गया? 11 हो गया। क्यों विवेक? कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है। इसलिए इतने सवाल कराए जा रहे हैं कि आपके डाउट दूर हो जाए। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कोई डाउट रहेगा नहीं, एग्जाम में आया तो आराम से करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ये सब पेपर में पूछे ही जाएंगे आपके, ध्यान रखिए। 15 प्लस cosec 38x का मिनिमम मान क्या होगा बताइए? 16 ही होगा। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसकी मिनिमम रखनी है, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मैक्सिमम क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ये टाइप खत्म, सिंपल सा ये टाइप था, सब टाइप ये खत्म, कोई तनाव नहीं था। टाइप टू भी महा सिंपल टाइप है, बहुत ही सिंपल टाइप है। आइए टाइप टू के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टाइप टू का जो पैटर्न होता है वो मैं बता दूं आपको। टाइप टू का जो पैटर्न है, टाइप टू का बेटा जो पैटर्न है वह है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा इसमें, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। फॉर्मूला रटना पड़ेगा यहां पर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी की मिनिमम वैल्यू जो होगी क्या होगा? माइनस लग जाएगा यहां, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रट डालिए। कैसे हुआ? कैसे हुआ इसका कोई जरूरत आपको नहीं है, केवल आपको क्या करना है, इस टाइप का कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम मान होगा क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू रटा रटाया ज्ञान क्या होगा? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हल्का सा बता देते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है, नोट मत करिएगा कैसे हुआ, केवल देख लीजिए कैसे हुआ। देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, यहां पर एंगल ले लीजिए अल्फा, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए
यहां पर ए साइन, यहां ले लेते हैं ए साइन थीटा प्लस वाले को लिए कर रहे हैं, माइनस वाले के लिए भी हो जाएगा, सेम होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सुनिए, यहां पर आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भाग कर लीजिए, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू कॉमन सेंस लगाकर ये ऐसे पैटर्न सेट किया जा रहा है कि या तो आपका साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी के पैटर्न पे ये सेट हो जाए। ठीक, अब देखिए साइन थीटा प्लस ये हो गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सुनिए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मेट क्या होगा, साइन अल्फा, ये साइन अल्फा के लिए ए अपॉन दिस बनता है, किसके लिए बनता है, साइन अल्फा के लिए हमने अपने मन से यहां अल्फा लिया है पैटर्न को सेट करने के लिए, तो ये बनेगा, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस ये देखिए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉस बीटा कह सकते हैं, सॉरी कॉस बीटा नहीं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आधार बटा में कर्ण, बी अपॉन दिस अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कॉस अल्फा होगा कि नहीं, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। बेटा देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बनेगा किसका फॉर्मूला, ये कॉस, देखिए आउट ऑफ सिलेबस है, आगे मैं पढ़ाऊंगा ये सब फॉर्मूला, कॉस ए सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे याद करवाऊंगा मैं आपको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी मतलब ये हो गया कॉस अल्फा माइनस थीटा हो गया। ठीक, सही है, अच्छा बीटा थीटा है, अल्फा बीटा थोड़ा एकदम अटैच रहते हैं ना, बड़ा प्रिय लगते हैं अल्फा के बाद बीटा, ठीक है अल्फा के बाद थीटा बड़ा कम सुनने में आता है, क्यों बच्चों, इसलिए आदत बनी हुई, हमने लिख दिया बीटा, कोई बात नहीं सही कर दिया, अल्फा थीटा हो गया, कॉस अल्फा माइनस थीटा, बच्चे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस वन, श्योर है, यहां एंगल कुछ भी हो मिनिमम वैल्यू माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, तो रेंज अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस थीटा, सही है, इज लेस देन और इक्वल टू क्या वन हो जाएगा, आ रहा है समझ में, कोई डाउट, अब सुनिए, अब यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सब में गुणा कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए क्या ये चीज इसको प्रदर्शित नहीं कर रही है, बताइए क्या ये वाली चीज, यानी कि ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं है, है ना इसके इक्वल, तो अब बताइए जब ये चीज इसके इक्वल है तो इसका मिनिमम से मिनिमम मान क्या है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है मान, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बताइए क्या इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए नहीं बता रहा था, आया समझ में, इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, केवल आपको क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू केवल याद करना, यहां प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट किसी बच्चे को, आ रहा है समझ में, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसकी आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, हम लोग सीधा सीधा रटेंगे, रट लेंगे हम लोग, ये पैटर्न अगर कहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहानी खत्म बस, ठीक है आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग सीधे सीधे, क्वेश्चन आइए देखते हैं, 244 है 244, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, बताइए बच्चों ए का मान हो गया 3 बी का मान 4, इसको ए बोल दें इसको बी बोल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये इधर हो जाए वो उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस के बदले माइनस हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझिएगा
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस पैटर्न होना चाहिए, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मैक्सिमम मान ए बराबर कितना है बच्चों बताइए, 3 और बी बराबर 4, तो बोलिएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुड, तो जीटीओ से क्यों बेटा, जीटीओ से क्यों करेंगे, कितना आ रहा है ये जीटीओ से, एक पॉजिटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी एक, हाँ तो ऐसा तो है तो इसमें, हाँ तब चलिए आइए देखिए। हम ये मिनिमम वैल्यू हो गई, देखिएगा अंडर रूट क्या माइनस में ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट सॉरी माइनस 5, ठीक, एक 5 है तो एक माइनस 5 होगा, समझ में आया क्या? नहीं नहीं उससे क्यों करेंगे आप, वैल्यू तो वही है, वैल्यू तो वही दिख रही है, लेकिन आप पूरा निकाल लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे क्यों बोलेंगे। आइए टू फोर्टी फाइव, 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा, बोलिए मैक्सिमम वैल्यू, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर ना कितना 10, और मिनिमम क्या बात है माइनस 10, हो गई कहानी खत्म। चलिए अब 246 पे आ जाते हैं, 246 माइनस 9 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा, यही है तो क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू बताइए, अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर सही है और फिर प्लस 12 का स्क्वायर कर दीजिए, आ रहा है समझ में कितना आएगा, या माइनस 12 का भी स्क्वायर कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन भी अगर नेगेटिव लेके स्क्वायर कर दें तो अपने आप क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है बच्चों। अब आइए 247, थ्री की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, बताइए मैक्सिमम 3 की पावर 5 और मिनिमम 3 की पावर, यही तो होगा इसमें कौन सा दम है, पावर का ही लेना पड़ेगा आपको, सही है इसलिए कह ही रहा है किसी का मैक्सिमम लीजिए। आइए 248, ट्वेंटी सेवन की पावर साइन एक्स इंटू 81 कॉस एक्स, सही है बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 साइन एक्स लिखा जा सकता है और इंटू 3 की पावर 4 कॉस एक्स, आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ देंगे तो 3 की पावर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स आएगा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 3 की पावर 5, क्यों इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 5 ही आएगी तो 3 की पावर 5 और मिनिमम क्या 3 की पावर, ये आंसर है, समझ गए। हो गया 249, आप करके दिखाइए आ गया, पी बराबर 16 साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू 128 कॉस थीटा, क्या कट रहा है क्वेश्चन कट रहा है 249, मार्कर भी चेंज कर लूं, देखिएगा p बराबर
16 साइन थीटा सेम पैटर्न है बच्चों, थोड़ा सा इंडिसेस का यूज करना पड़ेगा ना, बस घातांक वाला नियम प्रयोग करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 16 साइन की साइन थीटा पावर में है 4 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 128 कॉस थीटा। चलिए हो गया, कितना आया इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 साइन थीटा इंटू 2 की पावर 2 साइन थीटा 2 की पावर कॉस थीटा, और ये 2 की पावर कितना बेटा 7 कॉस थीटा, यही हो रहा। तो ये हो गया 2 की पावर 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू 2 to the power 10, क्यों? इसका मैक्सिमम मान क्या होगा 10 ही होगा, और मिनिमम मान क्या होगा -10। तो डायरेक्ट लिखिए 2 की पावर 10 और मिनिमम 2 की पावर, ये आपका आंसर है। हो गया, अब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें 250 में, लेकिन लगा देना, छोड़े ना बच्चों, फॉर्मूला थोड़ा सा प्रयोग होगा आउट ऑफ सिलेबस वाला, कर दें, कर देते हैं। पढ़ाया नहीं है वो फॉर्मूला मैंने, बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बहुत डिटेल में मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, जिससे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये सबको समझ में आएगी, फिर समझाऊं। हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया है कि कैसे घाते जुड़ी हैं। बता दें क्या, किसको कोई नया बच्चा पूछना चाहे घाते कैसे जोड़ी गई है, बता दें क्यों? नया बालक चले गए क्या, उधर से चले गए क्या वो? हाँ हैं, बता दें क्या कैसे हुआ? हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, उतना पीछे क्यों बैठे हैं आप, इतनी जगह है, यहां बैठिए, आइए जल्दी जल्दी आइए। सुबह से क्लास लेते लेते शाम तक आदमी की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है। चलिए, जब से ये मेरा 3 बजे वाला बैच स्टार्ट हुआ ना इंग्लिश मीडियम, तब से मैं थोड़ा सो भी नहीं पाता, दोपहर में कोई ना कोई काम रहता ही। क्यों प्रॉब्लम है इसमें? फर्स्ट डे है तब क्यों आप परेशान हो रहे हैं, अभी तो पहला दिन फर्स्ट डे है आपका, मत परेशान होइए, हम आपको अलग से एक्सपर्ट आपके साथ बैठाएंगे, वो चीजें कवर कराएंगे आपकी, ठीक है, जो छूटा है, मत परेशान होइए। तो बच्चों अब आ जाइए 250 पे, 5 कॉस थीटा, ये ना सोचिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, ये गलत है थोड़ा सा, कॉस रहेगा थीटा में स्प्रिंट हो गया, सब समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ, लेकिन क्लास डे फर्स्ट से होना चाहिए, पहले दिन से, ठीक। अब छूट गया है ना, दोनों क्लास छूट गई है आपकी, मिस प्रोपोर्शन वाली और ये आपकी कौन सी, मिस प्रोपोर्शन की, आइए कल एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। किनका किनका मिक्स प्रोपोर्शन छूट गया, हाथ उठाइए। अच्छा नहीं, वो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिए, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देखिए उसको पहले, आज जाके उसको कवर कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में कवर करवाऊंगा। प्लस क्या है बच्चों यहाँ, 4 है, ठीक। एक यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है कॉस ए प्लस बी का, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस है, अभी बाद में बताऊंगा ये कॉस ए प्लस बी का, किसी को याद है क्या? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, गुड, यही इसका फॉर्मूला होता है, इसी पे ये ब्रेक होगा, ठीक। आइए देखिए, 5 कॉस थीटा प्लस 3 तो रहेगा ही, इसको ब्रेक करना है, कॉस थीटा और इंटू कॉस पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री ना, तो 60 लिख दें डायरेक्ट, और माइनस साइन थीटा और साइन 60 हो जाएगा और प्लस 4। आइए देखिए, 5 कॉस थीटा प्लस क्या है 3 का पूरे में मल्टीप्लाई, सही कह रही है बच्ची, गुड, एकदम सही बोला है आपने, गुड। चलिए देखिए, तो बच्चों ये हो गया आपका क्या, 3 कॉस थीटा
और इनटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और माइनस साइन थीटा इनटू इसकी वैल्यू 3/2 प्लस 4। सही है बच्चों? हाँ, इसमें भी गुणा होगा, ठीक है ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई। अब कुछ काम बन रहा है हमारा। बनेगा ही, पैटर्न सेट है। देखिए, ये हमारा ऐड हो जाएगा 5 cos थीटा और प्लस 3/2 cos थीटा, ऐड करके बताइए कितना आएगा, 13/2 cos थीटा आया, आ रहा है कि नहीं, और माइनस ये अपना कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 3√3/2 sin थीटा और प्लस क्या, 4। इसका कौन सा मान चाहिए भाई, इसका पूछा गया है, रेंज पूछा गया है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसकी मैक्सिमम निकालते हैं, एक बार जरा इसकी वैल्यू निकाल लें, √13/2 2 और प्लस 3√3/2 2। बच्चों इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही, कितना आया, 7 आ रहा है, देख लीजिए 7 आया कि नहीं, 7 आया है। जब 7 आ गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 7 और ये 4 कितना, 11, और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो -7 रखेंगे ना, और प्लस 4 यानी कि -3। रेंज क्या होगा इसका, रेंज हो गया क्लोज इंटरवल -3, 11, फिर क्लोज इंटरवल हो गया। ये देखिए पैटर्न तो वही है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का पैटर्न है। इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालना है तो वही है, मैक्सिमम मान √a² + b² और मिनिमम मान क्या है, -√a² + b². हम अपनी सुविधा के लिए अलग से ही √a² + b² की वैल्यू निकाल ली है। किसकी वैल्यू है, √a² + b² की वैल्यू है, देख लीजिए सुविधा के लिए पहले से ही 7 निकाल लिए हैं, तो इसका मैक्सिमम मान चाहिए तो 7 रख दीजिए, 7 4 11, और मिनिमम मान चाहिए तो -7 रखिए और +4 यानी कि -3। आ रहा है समझ में, सभी बच्चों को क्लियर है, आ रहा है समझ में ना आपको, कोई परेशानी, पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए, और हॉल नंबर 1 वाले बच्चे क्लियर है क्वेश्चन, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। यहां पर फॉर्मूला हमने cos a + b का यूज किया था, यहां पर किसका, cos a + b का, जिनको याद रहेगा वही कर पाएंगे, और याद तो सबको करना ही है आने वाले दिनों में, सबको याद करना है cos a + b का फॉर्मूला। आइए चलिए, अब इसके बाद हमारा 251 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूले पे दिखाई दे रहा है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस पैटर्न पे है। देखिएगा 251, tan साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 - 2 sin² थीटा। देखिए बच्चों इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1 - 2 sin² थीटा, होता है कि नहीं, ये दोनों फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तभी इसको आप ब्रेक भी कर पाएंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला है, मैं आगे आपको इतना परफेक्ट इसमें बना दूंगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लेंगे, अभी इस पर हम लोग ज्यादा काम नहीं करेंगे, ये अलग बात है कि मैक्सिमम मिनिमम में ये क्वेश्चन आ गया कर ले रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर फोकस्ड अभी नहीं होंगे, बस मैं कर दे रहा हूं, ज्यादा समझाऊंगा नहीं। देखिए इसको हम बोल सकते हैं 5 into 2 sin θ cos θ बोला जा सकता है, प्लस ये हो गया 1 - 2 sin² θ। बच्चे इसको बोल सकते हैं हम क्या, एक मिनट, इसको बोल सकते हैं cos 2θ हो गया इतना, ठीक, और ये क्या हो गया sin 2θ, तो 5 sin 2θ हो गया और प्लस cos 2θ हो गया, ठीक। बच्चों थीटा 2θ या थीटा से क्या मतलब, ठीक, पैटर्न तो यही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √5² +
वन का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 26, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस अंडर रूट 26, बस कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अधिकतम न्यूनतम मान पूछा है, 2 थीटा से हमको क्या लेना देना बाबू बताइए, ये तो एंगल है, यहां भी वही एंगल है जो यहां है, एंगल बस सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सही है। एक और है, आउट ऑफ सिलेबस भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये होल स्क्वायर पैटर्न पे भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 252 करता हूं, होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाए तो ठीक, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस पे ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, मिटा दूं बच्चों इसको, बाद में अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, अभी नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला है। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस इसमें मैं लगाऊंगा, 252 में एफ एक्स फंक्शन इन एक्स क्या दिया हुआ है, 11 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स और प्लस इनटू कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। 2a भी पैटर्न पे आराम से दिख रहा है बेटा, अगर इसको तोड़े तो 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3 कॉस एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू प्लस साइन एक्स, टूट सकता है ऐसे, इसको लिख सकते हैं 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस उधर से ले लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3 कॉस एक्स और प्लस इधर से हो गया 2 कॉमन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं क्या 3 कॉस एक्स प्लस एक्स है बच्चों साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस उधर से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, हो गया। ये हमने होल स्क्वायर पैटर्न पे ब्रेक किया है, कम लोगों के समझ में आया होगा लेकिन समझाऊंगा अभी दोबारा, कोई आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला प्रयोग नहीं हुआ है हमको। देखिए एलजेब्रा अगर आप पढ़े रहेंगे तो मजबूती से दिखाई देगा कि समथिंग होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं आप इसको बड़े आराम से। देखिए 11 कॉस स्क्वायर एक्स है तो अगर 9 कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे तो ये 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा और यहां 6 साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3 कॉस एक्स, तो एक और साइन स्क्वायर एक्स का पैटर्न आपको चाहिए तो इधर से 3 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो यहां से तोड़ लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स में, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और इधर से 2 कॉस स्क्वायर एक्स मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 और बाकी ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट हो जा रहा है, बाकी ये पूरा होल स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा घर पे जाके विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस पैटर्न पे, जल्दी हो जा रहा है। चलिए अब आउट ऑफ सिलेबस ब्रेक किया होगा आपने, हाँ भाई आउट ऑफ सिलेबस है, हमने मन नहीं किया आउट ऑफ सिलेबस उठाने का, होल स्क्वायर में लेके चले आए हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, जब आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो करेंगे आप आउट ऑफ सिलेबस से भी करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्या होगा इसका, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना अंडर रूट 10 होगा और अंडर रूट 10 का स्क्वायर रखेंगे यहां पर प्लस 2, कितना आ रहा है 12 है मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम भी 12 मिनिमम भी 12,
चलिए बच्चों, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे बाद में, क्वेश्चन चेक कर लेंगे। यहाँ तो मैक्सिमम भी 12 और मिनिमम भी 12 दिख रहा है, क्योंकि यहां पर वैल्यू जो है आप कुछ भी रखेंगे कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, तो दो तो बन नहीं पाएगी इस तरीके से, इसकी मिनिमम वैल्यू दो बन नहीं पाएगी, चेक करना पड़ेगा। चलिए अब आइए, देखिएगा टाइप थ्री पे आ जाइए। टाइप थ्री देखिए, बड़ा शानदार सा ये टाइप है, फ्री का नंबर दिलाता है, थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ये पैटर्न है आपका, थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। टाइप थ्री में बस यही होता भी है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला फिगर होता है। वैसे तो देखकर इसका आंसर बताते हैं कि मैक्सिमम मान चार होगा और मिनिमम मान तीन, प्लस माइनस कहीं कुछ हो उससे मतलब नहीं है हमको, बस हमारे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर होना चाहिए और कॉस स्क्वायर होना चाहिए। देखकर एक बार में बोलेंगे कि बड़ा वाला गुणांक आपका चिन्ह सहित मैक्सिमम मान होगा इसका, तो मैक्सिमम मान पूछेगा क्वेश्चन में आपके, तो डायरेक्ट आप आंसर देंगे क्या है इसका मैक्सिमम मान, चार है, और मिनिमम मान क्या है, तीन है, डायरेक्ट आप बोल देंगे। समझ में आया आपके, सीधे सीधे बोल दिया जाएगा बिना प्रॉब्लम के। चलिए ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखेगा, तो बेसिक क्या होगा इसका, मेथड वन देख लीजिए, या तो इसको साइन में बदलिए सबको, या तो कॉस में, आप किस में चेंज करना चाहते हैं, साइन में, तो चलिए थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान से देखिए ये क्या बनेगा, फोर ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा मैक्सिमम मान चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू बताइएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम चाहिए तो इसका छोटे से छोटा मान घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, जीरो, तो फोर माइनस जीरो यानी कि फोर, सही है, और मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, यहां मैक्सिमम इसका घटाएंगे, ये सब सीख चुके हैं टाइप वन में ही, ये अब टाइप वन का ही तो सवाल बन गया आपका। देखिए तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन यानी कि थ्री, और इतना सब नहीं करना इस पैटर्न के लिए, टाइप थ्री में डायरेक्ट आंसर दिया जाता है मैक्सिमम मान चिन्ह सहित बड़ा गुणांक और न्यूनतम मान चिन्ह सहित छोटा गुणांक, बस कहानी खत्म। ये भले मेथड वन है आपका, लेकिन कभी एग्जाम में इसको मेथड वन से करना नहीं है, जब भी करेंगे किससे करेंगे, मेथड टू से। इस पैटर्न में मैक्सिमम मान क्या होगा, ग्रेटर कोफिशियंट विद साइन आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू स्मॉलर कोफिशियंट विद साइन वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हिंदी में लिखता हूं, चिन्ह सहित बड़ा गुणांक और मिनिमम वैल्यू, चिन्ह सहित छोटा गुणांक। चलिए आपके क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम फोर और मिनिमम थ्री। बेटा आप बताइए, यहां माइनस फोर हो जाए, यहां माइनस थ्री हो जाए, आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, गलत गलत गलत, माइनस थ्री बड़ा है कि माइनस फोर, माइनस थ्री बड़ा है, नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वही क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस थ्री होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या होगी, माइनस फोर, बस डायरेक्ट चिन्ह सहित बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, अब बताइए अगर यहां पर माइनस हो जाए, यहां पर ये प्लस, ठीक, अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, माइनस फोर चिन्ह सहित इसलिए मैंने लिखा है, माइनस चार, हाँ वो होगा आपका, क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट। चलिए 252 में आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, हम चेक कर लेंगे एक बार फिर कल बताएंगे, ठीक है बच्चों।
होल स्क्वायर करने में कभी भी मिनिमम वैल्यू दो नहीं आएगी।